एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं लखनऊ से, इस वक्त की बड़ी खबर, कचहरी बमबाजी का मामला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बार महामंत्री को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है, और केजीएमयू में भर्ती महामंत्री जीतू यादव, तो बीते दो दिन पहले ये लखनऊ में बमबारी हुई थी जिसमें 3 जिंदा बमों को बरामद किया गया था और कई वकील इस बमबारी में घायल भी हुए थे। और अगर कल की बात करें तो कल भी अधिवक्ताओं के ऊपर हमला किया गया, 5 राउंड फायरिंग की गई। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, कह सकते हैं पुलिस ने आखिरकार सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक खुलासा कर दिया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पिछले 13 तारीख का मामला है जो लखनऊ के सीजम कोर्ट में बमबाजी की गई थी। इसमें पुलिस ने कई वकीलों को संदिग्ध रूप में गिरफ्तार किया था, जिसमें पीड़ित का कहना था कि महामंत्री बार एसोसिएशन के महामंत्री जीतू यादव के ऊपर आरोप था। हालांकि जीतू यादव के साथ धक्का मुक्की मारपीट भी हुई थी जिसके बाद उसको केजीएमयू में भर्ती कराया गया था। वहीं लगातार पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश दे रही थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में आया है कि इसका पूरा जो मास्टरमाइंड था वो महामंत्री जीतू यादव है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दहशत फैलाने के लिए इसने कचहरी में तुतली बम का इस्तेमाल किया। चलिए संजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है।